साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती हैं। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है, पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई कई साल तक माँ बाप बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा हूं। आज भी यहां से 1.60 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है।